जिले में तेज रफ्तार और सड़क दुर्घटनाओं का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। बुधवार को भागलपुर के गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल के एक रिश्तेदार की मौत सड़क दुर्घटना में हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार परवत्ता निवासी दयानंद शर्मा अपनी पत्नी देवप्रिया कुमारी के साथ बाइक से परवत्ता जा रहे थे, तभी तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने जानवी चौक के समीप बाइक को टक्कर मार दिया, जिसमें देवप्रिया कुमारी की मौत मौके पर ही हो गई। घटना की सूचना मिलते ही विधायक गोपाल मंडल भागलपुर पहुंचे। बताया जाता है कि गोपाल मंडल के साढ़ू दयानंद शर्मा भागलपुर से अपने पत्नी के साथ परवत्ता जा रहे थे, तभी जानवी चौक के समीप ट्रक की चपेट में आने से देवप्रिया कुमारी की मौत हो गई। घटना के बाद आनन फानन में दोनों बाइक सवार को मायागंज अस्पताल लाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने देवप्रिया कुमारी को मृत घोषित कर दिया। जानवी चौक है ना, आर तब लगता हटिया सब उसी जगह पुल के बाद, जस्ट पुल के बाद वह चौकवा है, वहीं पर धक्का लगा है। धक्का लगने का कारण ये है कि हम तो कितना बार ये सवाल उठाए, विधायक दल के बैठक में भी उठाए, डायरेक्ट मैंने मुख्यमंत्री को भी बोला कि ओवरलोड ये चल रहा है, इनको बंद करने का कोशिश किए मुख्यमंत्री जी, लोगों का बेनाहक जान जा रही है। हमको भी एक बार विधानसभा चल रही थी, हम जा ही रहे थे, थोड़ा सा स्लो किए, हम देखे कि करीब करीब वो नहीं कुछ तो 100 मीटर की दूरी पर था ट्रक, ब्रेक लेते लेते आके धक्का मार ही दिया और मेरा पिछला हिस्सा जितना था सब अंदर कर दिया। देश के विभिन्न राज्यों से प्रवासी मजदूरों को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन के आने का सिलसिला लगातार जारी है। बुधवार को भी कई राज्यों से श्रमिकों को लेकर कई ट्रेन भागलपुर स्टेशन पहुंची। रोजाना जहां शांतिपूर्ण ढंग से श्रमिकों की स्क्रीनिंग कराकर क्वारंटाइन सेंटर भेजा गया, वहीं बुधवार को जोधपुर से भागलपुर पहुंची श्रमिक स्पेशल ट्रेन के यात्रियों के बीच अफरा तफरी का माहौल छा गया। दरअसल जोधपुर से पूर्णिया जाने वाली ट्रेन जब भागलपुर स्टेशन पर पहुंची तो IRCTC एवं रेलवे की ओर से श्रमिकों को पेयजल एवं अल्पाहार देने के दौरान यात्री आपस में उलझ पड़े और पैकेट की लूट कर लिया, जिससे रेलवे अधिकारी एवं पुलिसकर्मी काफी परेशान हो गए और पैकेट को लूट लिया, जिससे रेलवे अधिकारी एवं पुलिसकर्मी काफी परेशान हो गए। हालांकि अधिकारियों एवं पुलिसकर्मियों ने श्रमिकों को शांत कराकर बोगी में वापस भेजा और ट्रेन को रवाना कर दिया गया। इस संबंध में स्टेशन अधीक्षक समर कुमार सिंह ने कहा कि भागलपुर से होकर गुजरने वाली सभी ट्रेन के यात्रियों को रेलवे एवं IRCTC द्वारा पानी एवं अल्पाहार उपलब्ध कराया जाता है, जबकि भागलपुर आने वाली ट्रेन से उतरने वाले यात्रियों की सारी व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा की जाती है। उन्होंने कहा कि लंबी यात्रा के कारण श्रमिक परेशान थे और इसी कारण अल्पाहार लेने के दौरान थोड़ी अफरा तफरी मच गई। भागलपुर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल मायागंज से एक राहत भरी खबर आई है। बुधवार को मायागंज अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड से 14 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर RC मंडल एवं नोडल पदाधिकारी डॉक्टर हेमशंकर शर्मा की मौजूदगी में उन्हें छुट्टी दे दी गई। एक ओर जहां रोजाना कोरोना पॉजिटिव मरीज की संख्या में वृद्धि हो रही है, वहीं मायागंज अस्पताल से नियमित अंतराल पर कोरोना पॉजिटिव मरीजों का स्वस्थ होकर घर जाना सुखद एवं अच्छा संकेत है। मायागंज अस्पताल के चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों ने स्वस्थ हुए कोरोना फाइटर को प्रमाण पत्र देकर एवं ताली बजाकर उनका उत्साहवर्धन किया और आवश्यक सुझाव के साथ शुभकामनाएं भी दी। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर RC मंडल ने कहा कि बुधवार को 14 कोरोना पॉजिटिव मरीजों के स्वस्थ होने के बाद 56 कोरोना संक्रमित मरीज वर्तमान में भर्ती हैं, जबकि अब तक 40 से अधिक कोरोना पॉजिटिव मरीज स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। लॉकडाउन के चौथे चरण में छूट मिलने के बाद लोग बाजार का रुख करने लगे हैं। बुधवार को भागलपुर के विभिन्न चौक चौराहों पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा और बिना सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क लगाए ही शहर में लोग घूमते रहे। स्टेशन चौक, ततारपुर चौक, खलीपाबाग चौक, घंटाघर चौक, DN सिंह रोड, महात्मा गांधी पथ समेत शहर की कई सड़कों पर रुक रुक कर जाम भी लगता रहा। लॉकडाउन में अचानक सड़कों पर लोगों की भीड़ के कारण पुलिस को भी काफी मशक्कत करनी पड़ी। वहीं महाजाम को कंट्रोल करने के लिए खलीपाबाग चौराहे पर पुलिस ने DN सिंह रोड में जाने वाले वाहनों को रोक दिया। इधर लॉकडाउन में भागलपुर की सड़कों पर किस तरह रेंगते रहे वाहन, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता सैयद इनामुद्दीन ने। लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद लोगों की भीड़ बाजारों की तरफ उमड़ पड़ी है। इस वक्त हम मौजूद हैं भागलपुर के खलीपाबाग चौक पर और आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग बाजार आए हैं काफ़ी संख्या में खरीदारी करने के लिए। दूसरी तरफ अगर देखें तो ट्रैफिक की बात करें तो ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू करने के लिए भागलपुर की पुलिस ट्रैफिक पुलिस यातायात को संभालने के लिए सड़क पर उतर चुकी है और सड़कों पर यातायात व्यवस्था को सही किया जा रहा है और जो भीड़ लगी है उसको कंट्रोल करने के लिए पुलिस प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जा रही है और पुलिस के जवान और अधिकारी भीड़ को कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक सिस्टम को
दुरुस्त करने के लिए सड़क पर हैं। और अब जहां भागलपुर का जो खलीफाबाग चौक है, इस पर काफ़ी भीड़, पुलिस को शिकायत मिली थी कि यहां पर काफ़ी भीड़ लग रही है, बाज़ार में काफ़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, उसी को इसी सिस्टम को, इसी अव्यवस्था को सही करने के लिए पुलिस यहाँ पर पहुँच चुकी है। और लोगों को समझाया जा रहा है पुलिस प्रशासन के द्वारा कि आप अनावश्यक घरों से बाहर ना निकले, साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की भी अपील की जा रही है। तो भागलपुर पुलिस के द्वारा यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं तस्वीर की, देखिए यातायात व्यवस्था को सुचारू करने के लिए, सही करने के लिए, लोगों की भीड़ को कम करने के लिए पुलिस प्रशासन के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है, कार्रवाई की जा रही है सड़क पर। और लोगों को अनावश्यक जो रूट के अनुसार तय मानक के अनुसार जो अनावश्यक इधर उधर प्रवेश कर रहे हैं, उसके ऊपर भी कार्रवाई की जा रही है। सिल्क टीवी भी आप सभी लोगों से अपील करती है कि कोरोना वायरस के चैन को तोड़ने के लिए जिला प्रशासन का, पुलिस प्रशासन का सहयोग करें। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सुमित के साथ सैयद इनामुद्दीन, सिल्क टीवी, भागलपुर। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से बचाव के लिए सरकार लगातार सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की बात कह रही है, लेकिन सरकारी कार्यालय में ही इसका मखौल उड़ाया जा रहा है। ताजा मामला भागलपुर कचहरी चौक स्थित बिजली बिल कलेक्शन दफ्तर का है, जहां सोशल डिस्टेंसिंग के बिना ही कंज्यूमर से राशि वसूली जा रही है। कार्यालय में दर्जनों लोग कई किलोमीटर दूर से बिजली बिल जमा कराने आते हैं, लेकिन एक काउंटर रहने के कारण बिजली बिल जमा करने आए उपभोक्ताओं को घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। बिल कलेक्शन सेंटर में न तो महिलाओं के लिए कोई व्यवस्था है और न ही सीनियर सिटीजन के लिए। बुधवार को महिलाओं ने एक काउंटर से बिल जमा करने का विरोध कर दिया, जिसके बाद बिजली विभाग के कर्मियों को दूसरा काउंटर खोलना पड़ा, तब जाकर महिलाओं ने बिल जमा किया। वहीं सुपरवाइजर सागर कुमार ने कहा कि उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए बिजली कंपनी ने ऑनलाइन पेमेंट, हैंड डिवाइस पेमेंट और कैश लेने की व्यवस्था की है। हम सीनियर सिटीजन से हैं, ठीक है, एक डेढ़ घंटे तक हमने खड़ा रहा, हमारा उतना स्टेबिलिटी नहीं है कि हम खड़े रह के इतना देर, इसलिए जो सीनियर सिटीजन्स है मोर देन 60 के हैं, एजेड जिनको ये होता वो अलाउ नहीं करता उनका हेल्थ, तो उसको हेल्थ नहीं परमिट कर रहा, उसके लिए अलग कोई काउंटर हो जानी चाहिए। बिजली बिल ऑनलाइन जमा करने का था, वो हम लोग अभी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उसमें क्या एक्स्ट्रा चार्ज दे के दे दिया है, इससे तो ऑनलाइन नहीं हो रहा है, फिर हम लोग को परेशानी है, इतना देर से आके खड़े हैं लाइन में और एक ही काउंटर खुला है। यहाँ पे देखिए भीड़ बहुत ज़्यादा है, डिस्टेंस मेंटेन नहीं हो पा रहा है, जगह का थोड़ा सा कमी है, एक काउंटर और खुल चुका है, आप देख सकते हैं वहाँ पे लेडीज़ के लिए एक काउंटर और खुल चुका है। और बाकी हम लोग हैंड डिवाइस से भी काम कर रहे हैं, ये हैंड डिवाइस है ATM कार्ड के थ्रू, तो जो भी सुविधा हो सकता है, बन पा रहा है, वो हम लोग कर रहे हैं अपने हिसाब से। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में खाता खुलवाने के लिए लोगों को अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। पार्षदों के सहयोग से डाक विभाग ने भागलपुर के वार्ड संख्या 26, 33, 48 और 43 में शिविर लगाकर खाता खोलना शुरू कर दिया है। साथ ही कई वार्डों में विशेष शिविर लगाने की तैयारी चल रही है। बुधवार को प्रधान डाकघर में काफी संख्या में महिलाएं खाता खुलवाने के लिए कतारबद्ध दिखी। हालांकि खाता खुलवाने आई महिलाओं ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया और न ही डाक प्रबंधक की ओर से कोई ठोस व्यवस्था की गई थी। इस दौरान डाककर्मियों ने कूपन सिस्टम से महिलाओं का खाता खोला। वहीं हेड पोस्टमास्टर सुनील कुमार सुमन ने बताया कि भीड़ कम करने के लिए HPO में कुल 6 काउंटर बनाया गया है, साथ ही वार्ड में भी लोगों का खाता खोला जा रहा है। सुनील कुमार ने कहा कि खाता खुलवाने आए लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। पोस्टमास्टर सुनील कुमार ने बताया कि अब तक भागलपुर प्रधान डाकघर में 1,48,000 लोगों का खाता खोला जा चुका है। भागलपुर प्रमंडल के अंतर्गत 2 हेड ऑफिस है, 2 IPP ब्रांच काम करते हैं, एक बांका, एक भागलपुर। भागलपुर IPP ब्रांच में अभी तक 26/5/2020 तक 1,30,806 अकाउंट खुला और लॉकडाउन में 62,665 अकाउंट खुल चुके हैं। कोरोना जैसी जानलेवा बीमारी के बीच जिला परिषद उपाध्यक्ष आरती कुमारी लगातार कई दिनों से आम जनों के बीच राशन वितरण के साथ साथ सैनिटाइजेशन भी करवा रही हैं। आरती कुमारी लगातार बीमार एवं जरूरतमंदों को दवाइयां पहुंचा रही हैं। इस महामारी में जहां सारे नेता अपनी वाहवाही करने में लगे हैं, वहीं आरती कुमारी अपनी पूरी टीम के साथ जनता की सेवा में लगी हैं और विभिन्न क्षेत्रों में घूम घूम कर भूखों को खाना मुहैया करा रही हैं। पति प्रदीप यादव भी कदम से कदम मिलाकर जनसेवा में लगे हैं और लगातार गरीबों और जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं।
हम सभी शहरवासियों से अपील करते हैं कि लॉकडाउन का पालन करें एवं कोरोना को हराने के लिए हमेशा हाथ धोते रहें एवं मास्क जरूर लगावें। लॉकडाउन के बीच जहां एक तरफ आम से खास लोग गरीबों की मदद में जुटे हैं, वहीं जदयू नेता पप्पू मंडल एवं मुखिया संघ अध्यक्ष आशा देवी इस मुहिम में सबसे आगे हैं। नाथनगर, जगदीशपुर एवं सबौर प्रखंड में पप्पू मंडल के द्वारा जरूरतमंदों के बीच लगातार राशन वितरण किया जा रहा है। कोरोना के प्रभाव को कम करने के लिए सभी क्षेत्रों में सैनिटाइजेशन भी किया जा रहा है। एक भी गरीब भूखा न रहे, इसी संकल्प के साथ पप्पू मंडल खुद राशन वितरण कर रहे हैं। आज हजारों लोगों के लिए पप्पू मंडल व मुखिया संघ अध्यक्ष आशा देवी किसी फरिश्ते से कम नहीं हैं। जदयू नेता पप्पू मंडल आप सभी आम जनों से अपील करते हैं कि लॉकडाउन का पालन करें एवं कोरोना को हराने में सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चले। नमस्ते, केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ आपसे अपील करती है कि कोरोना वायरस से बचें। कोरोना वायरस से बचने के लिए बार बार हाथ धोएं। भीड़ भाड़ वाली जगह से बचें। खांसते या छींकते समय टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें और वो यूज किया हुआ टिश्यू पेपर तुरंत ढक्कन डाल कचरे के डब्बे में फेंक दें। कहीं भी जाएं तो मास्क लगा के जाएं। किसी को खांसी, सर्दी या सांस लेने में प्रॉब्लम हो तो उससे 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। अपने गंदे हाथ आँख नाक मुंह में ना सटाएं। आपको ये छोटी छोटी सावधानी आपको बहुत काम आ सकती है। क्या आपको कान, नाक या गले में कोई समस्या है, जैसे कान बहना, सुनने में परेशानी, कान में दर्द, गले की खराश, गले में दर्द, थायराइड, नाक का मांस बढ़ना या एलर्जी इत्यादि है, तो समस्या के निदान हेतु आपके शहर में विश्व स्तरीय अस्पताल एडवांस ईएनटी हॉस्पिटल, जिसमें अति आधुनिक उपकरणों द्वारा उपचार डॉक्टर एचआई फारूक की देखरेख में किया जाता है। डिजिटल एक्सरे एवं कंप्लीट ऑडियोलॉजिकल प्रोफाइल की व्यवस्था, साउंड प्रूफ परिवेश में बेरा, ऑटो एकॉस्टिक इमिशन, टेम्पोनोमेट्री जांच की जाती है और हाँ, एक दिन के बच्चे की भी सुनाई का आकलन किया जा सकता है। बिना तार वाली कान के अंदर लगने वाली सूक्ष्म देसी विदेशी सुनाई की मशीन भी उपलब्ध है। विदेशी मशीनों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर तथा पेशेंट के रहने के लिए एसी, नॉन एसी जनरल वार्ड उपलब्ध है। चंपा नाला पुल के निकट, चंपा नगर, भागलपुर। कोरोना वायरस का खौफ अब लोगों में धीरे धीरे कम होता जा रहा है और इसका सीधा असर अर्थव्यवस्था पर पड़ने लगा है। बुधवार को भागलपुर बाजार ग्राहकों से गुलजार रहा। इस दौरान लोगों ने मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स, एसी, फ्रिज, कूलर, पंखा और वॉशिंग मशीन की जमकर खरीदारी की। वहीं कुछ रेडीमेड कपड़ा व्यवसायी ग्राहकों का इंतजार करते दिखे। कोरोना काल में एक तरफ जहां लोग संक्रमण से बचाव के उपाय ढूंढ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बाजारों में उमड़ी भीड़ कोरोना को दावत दे रही है। वहीं लॉकडाउन में जनता को हो रही परेशानी को लेकर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सैयद शाह अली सज्जाद ने सरकार से 7 दिन दुकान खोलने की अनुमति दिए जाने की मांग की है। कपड़ा व्यवसायी मोहम्मद कमर और नाजिस वर्दी ने भागलपुर जिला प्रशासन से बिजली बिल माफ करने की मांग की है। दुकानदारों ने बताया कि लॉकडाउन के कारण उनका बिजनेस पूरी तरह चौपट हो गया है। अरे भाई, जब आप 2-4 दिन रोक करके फिर खोलिएगा भीड़ को, तो लामाला 2-3 दिन का भीड़ एक ही दिन आ जाएगा, ये तो और परेशानी का सबब है। इमीडिएट खोलना चाहिए, बहुत हो चुका, अब ये ज़रूरत नहीं है रोकने की। आप खोलिए ताकि लोग सामान्य हो जाए, लोग रोज़ाना अपना समझे कि अब ये जो समय आपने बांध दिया है 10 बजे 11 बजे खोल दीजिए, फिर 6 बजे बंद हो जाइए। भाई ये ग़ुलामी की ज़िंदगी नहीं है, आज़ाद मुल्क है, आज़ादी की बात होगी। देखिए, ये हम लोगों का जो शॉप है वो 22 मार्च को क्लोज़ हुआ था और तकरीबन 2 महीना ये क्लोज रहा, फिर प्रशासन के आदेश पर ये सप्ताह में 3 दिन के लिए ये ओपन हो रहा है। हम लोग का रेडीमेड गारमेंट्स का शॉप है, तो ये सोमवार, बुधवार और शुक्रवार ये 3 दिन ओपन करने के लिए 12:30 बजे से 6:30 बजे तक का टाइम दिया गया है। इस बीच हम लोग इन 3 दिनों में ओपन कर रहे हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि बिज़नेस काफ़ी हल्का है।
जब हम लोगों का शॉप बंद हुआ था उस वक्त हालात ठीक थे, लेकिन अभी ओपन होने के बाद जो दोबारा जो हम लोगों का शॉप ओपन हुआ है सप्ताह में 3 दिन के लिए, तो इसमें कस्टमर बहुत ही कम आ रहे हैं। देखिए, लॉकडाउन के कारण लमसम 2 महीने से ऊपर दुकान बंद रही, हमारा नहीं जितने भी व्यापारी हैं, और इससे काफ़ी नुकसान हम लोगों को हुआ। और अभी जो गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया है शॉप को खोलने के लिए, कस्टमर इससे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में है, किस दिन शॉप खुलेगी किस दिन क्लोज रहेगी, इसके कारण कस्टमर भी नहीं है मार्केट में। और ये जो टाइम निर्धारित किया गया है 6 से 12 से 6 का, इसका कोई मतलब नहीं है। हम जिला प्रशासन से ये मांग करते हैं कि 7 दिन अनुमति दिया जाए खोलने का। जिलाधिकारी प्रणब कुमार एवं SSP आशीष भारती सरकार के निर्देश पर जिले के क्वारंटाइन सेंटरों का लगातार जायजा ले रहे हैं। इसी कड़ी में DM एवं SSP ने कहलगांव अनुमंडल क्षेत्र में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटरों का निरीक्षण किया। DM ने क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्था की जानकारी ली और प्रवासी मजदूरों की सुविधा का ख्याल रखने का निर्देश अधिकारियों को दिया। पीरपैंती प्रखंड के लक्ष्मी नारायण इंटर स्तरीय उच्च विद्यालय मलिकपुर एवं तड़वा उत्क्रमित उच्च विद्यालय का निरीक्षण करते हुए DM एवं SSP ने वीडियो को कई दिशा निर्देश दिया। DM प्रणब कुमार ने लक्ष्मी नारायण इंटर स्तरीय हाई स्कूल क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्था को देखकर संतोष व्यक्त किया, जबकि तड़वा क्वारंटाइन सेंटर में रहने वाले प्रवासी मजदूरों ने बिजली पानी एवं पंखा की सुविधा नहीं होने की शिकायत DM से की। DM ने सभी मजदूरों को आवश्यक सुविधा मुहैया कराने का निर्देश CO एवं BDO को दिया। इसके अलावा कई क्वारंटाइन सेंटरों का भी निरीक्षण जिलाधिकारी ने किया। इस मौके पर कहलगांव DSP रेशु कृष्णा, SDO सुजय कुमार, BDO रज्जन लाल निगम, CO नागेंद्र कुमार, प्रमुख रेशमी कुमारी, पीरपैंती थाना अध्यक्ष राकेश कुमार समेत कई लोग मौजूद थे। विशेष रूप से कहलगांव अनुमंडल स्थित जो तीनों हमारे प्रखंड हैं, सभी प्रखंडों में जाकर के क्वारंटीन सेंटर स्थापित किए गए हैं। क्वारंटीन सेंटर पर उपलब्ध सुविधाओं का निरीक्षण किया जा रहा है। इसी क्रम में आपको बता दें कि हर एक प्रखंड पर प्रखंड स्तरीय एक रजिस्ट्रेशन एवं स्क्रीनिंग केंद्र भी बनाया गया है, जो कि आज यहाँ मानिक यहाँ पंचायत में उपलब्ध है। इसका भी हम लोगों ने निरीक्षण किया और सेंटर की व्यवस्था से लोग काफ़ी संतुष्ट दिखे। सभी लोगों ने हाथ उठा करके संवेद में बताया कि किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है और काफ़ी बेहतर व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त उन लोगों के समय को देखते हुए हर एक रूम में समाचार पत्र भी दिया जा रहा है, TV की भी व्यवस्था की गई है जी। तो कुल मिलाकर की स्थिति संतुष्टप्रद है और हम सभी लोगों से अपील करेंगे कि 14 दिन उन लोगों को जो संस्थागत क्वारंटीन में रहना है शांतिपूर्ण तरीके से क्वारंटीन में रहें। सरकार के द्वारा पूरी तरह से उनकी सुविधाओं का ध्यान रखा जा रहा है। BEd द्वितीय वर्ष के छात्रों ने तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में कुलपति डॉक्टर अजय कुमार सिंह को आवेदन देकर ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरवाने की मांग की है। दिए गए आवेदन में छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन से लॉकडाउन में फॉर्म भरवाने एवं लॉकडाउन के समाप्त होने के बाद परीक्षा आयोजित करने की बात कही। छात्र कुमार गौरव, दीपक कुमार मांझी, दीपक झा, नंदन कुमार और अमन कुमार सिंह ने बताया कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने जल्द परीक्षा लेने का आश्वासन दिया है। वहीं TMBU के PG मनोविज्ञान विभाग में बुधवार को शोक सभा आयोजित कर पूर्व विभाग अध्यक्ष डॉक्टर लाला इंदु भूषण के आकस्मिक निधन पर शोक प्रकट किया गया। विभाग अध्यक्ष डॉक्टर SN चौधरी, डॉक्टर निरंजन प्रसाद और डॉक्टर राजेश तिवारी ने बताया कि डॉक्टर इंदु भूषण के निधन से शिक्षा जगत को अपूर्णीय क्षति हुई है। सनौला के तेलहोंदा पंचायत पकड़िया गांव वार्ड नंबर 12 निवासी सुषमा देवी के घर में गैस सिलेंडर लीक होने से आग लग गई, जिसमें सुषमा देवी के पुत्र एवं पुत्रवधू जलकर बुरी तरह घायल हो गए, जबकि अगजनी की घटना में घर का सारा सामान, जेवरात एवं नगद रुपए भी जलकर खाक हो गया। घटना को लेकर सुषमा देवी ने सनौला CO को आवेदन देकर मदद की गुहार लगाई है। सुषमा देवी ने बताया कि बुधवार की सुबह पुत्रवधू सुलेखा देवी रसोई में चाय बनाने गई थी, तभी सिलेंडर लीक होने के कारण अचानक आग लग गई। आग देखते ही देखते काफी तेज हो गई और पूरा घर इसकी चपेट में आ गया। पुत्रवधू को बचाने के क्रम में पुत्र मुकेश यादव भी आग से झुलस गया। आग इतनी तेजी से फैली कि पूरा घर राख हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पीरपैंती थाना अध्यक्ष एवं मुखिया शिव कुमार शाह मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया, जबकि HP गैस एजेंसी की ओर से गैस सिलेंडर समेत आर्थिक मदद भी दी गई। हालांकि घटना से पूरा परिवार सदमे में है और रहने और खाने की चिंता सता रही है। लॉकडाउन में असहाय और निर्धन परिवारों की सहायता के लिए भागलपुर के युवा पॉकेट मनी से जरूरतमंद लोगों की मदद कर रहे हैं। बुधवार को तिलकामांझी में रहने वाले कुछ छात्र छात्राओं ने इशाकचक थाना क्षेत्र के जुग्गी झोपड़ी इलाके में जाकर लोगों को सूखा राशन बांटा। इस दौरान इशाकचक थाना अध्यक्ष संजय कुमार सुधांशु ने छात्रों को राहत पैकेट बांटने में सहयोग किया।
वहीं राहत सामग्री बांट रही विद्या, अन्नू और अंशु ने बताया कि लॉकडाउन में कोई गरीब भूखा न सोए, इसी उद्देश्य से राहत पैकेट बांटा जा रहा है। मौके पर आर्यन राय, रोशन सोनू, प्रीति समेत कई स्टूडेंट मौजूद रहे। सर हम लोग स्टूडेंट हैं और हम लोग अपने खुद से फंड जमा करके हम लोग कर रहे हैं, ये हम लोग के कोई संस्था नहीं है। और सर हम लोग इसमें इससे पहले भी हम लोग बांटे थे 2 महीने पहले, तो उसमें हम लोग चूड़ा मुढ़ी ये सब दिए थे, लेकिन इस बार जो है हम लोग चावल और दाल ये सब हम लोग दे रहे हैं। और अभी जो लॉकडाउन है इसकी वजह से कि बहुत सारे जो लोग हैं वो उनको अभी ठीक से खाने के लिए नहीं मिल रहा है।